सलाम रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। बातचीत के साथ में एक बार फिर आपके साथ। आज कुछ रात को मैं पाकिस्तान की खबरें देख रहा था और उसमें वो दिखा रहे थे कि वकला ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी PIC पे अटैक किया और काफ़ी नुकसान पहुंचाया हॉस्पिटल को, और इवन कुछ लोग खबरों में के मुताबिक कोई 4 या 6 लोग जो हैं वो बेचारे अपनी जान की बाजी हार गए। और उसके अलावा जो वकला थे वो ऑपरेशन थिएटर में चले गए, जिसकी वजह से ऑपरेशन करने में डॉक्टर्स को बहुत मुश्किलात हुई और उनको ऑपरेशन बीच में रोकना पड़ा, क्योंकि वकला जो थे वो काफ़ी उन्होंने नुकसान पहुँचाया मशीनरी को भी, और डॉक्टर्स को भी ज़ख्मी किया, हॉस्पिटल को भी उन्होंने शीशे वगैरह तोड़े। तो ये सारा जब मैंने देखा तो मेरे जहन में कुछ अशआर आए जो कि इस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कल रात को जो भी हुआ, और ये वकला का पॉइंट ऑफ व्यू है से जो लिखी है, और फिर एंड में जो है वो मेरा अपना व्यू था जो मैंने उसको खबरें जो देख रहा था, तो मेरे जहन में जो चल रहा था वो मैंने लिखा इसमें कि 4-6 मरीज़ ही चलो जान खो गए, 4-6 मरीज़ ही चलो जान खो गए, पर डॉक्टर हमारी दहशत मान तो गए, दीवार फलांग ली शीशे तोड़ दिए सारे, दीवार फलांग ली शीशे तोड़ दिए सारे, अब हॉस्पिटल हमारा ही कब्जे में है हमारे। ऑपरेशन थिएटर में जो मरीज़ है पड़ा हुआ, ऑपरेशन थिएटर में जो मरीज़ है पड़ा हुआ, वो भी हमारी दहशत से क्यों कर बचा हुआ, हम लिहाज क्यों करें बूढ़ा हो या जवान, हम लिहाज क्यों करें बूढ़ा हो या जवान, ना तो हमारा बाप है वो ना हमारी माँ, हम लिहाज क्यों करें बूढ़ा हो या जवान, ना तो हमारा बाप है वो ना हमारी माँ, जो जान बचाने आए थे वो जान से जाएंगे, जो जान बचाने आए थे वो जान से जाएंगे, कि हम खुद ही अपनी अदालत आप लगाएंगे, ये सब जो देखा तो दिल ने ये कहा, ये सब जो देखा तो दिल ने ये कहा, हम अहले वतन व मिल्लत के एहसास को क्या हुआ, तो 4 जो गए जान से था उनका क्या कसूर, जो अपनों को बचाने आए थे वो अपनों से ही दूर, दिल को पकड़ के बैठ गए दिल बचाने वाले, दिल को पकड़ के बैठ गए दिल बचाने वाले, और कानून को खुद मिटा गए कानून बनाने वाले, वकला के पास इस सब की क्या कोई दलील है, वकला के पास इस सब की क्या कोई दलील है, या फैसला आपके वो करे जो रब्बे जलील है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।